सावधान से, बहुत कायदे से एकदम कायदे। ये खा ले। अपनी आदमी इतना 10-10 हजार का जैकेट पहनता है। ये आग बंद करके कैसे हंस रहे हो? औरतों का सजने संवरने का हक है। अच्छा। 12 बजे आ रहे हैं। 12 बजे मेरा अगर इस टाइम कोई सहारा है तो माय YouTube फैमिली, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ठंड भाई बढ़ चुकी है और मेरा शॉल स्वेटर सब कुछ निकल चुका है क्योंकि अब ठंड लगने लगी है। और अभी मेरे यहाँ धृति सो रही है, लाइट जला लूँ, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि धृति क्या कर रही है। और मैं अपना ये ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला। धृति, धृति उठ जाओ। तो धृति सुबह उठती है, मतलब 6-6:30 बजे बेचारी उठ जाती है। इसके लिए अभी ये सो रही है तो मैं अभी सोने दे रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है 5 बज रहा है, पतिदेव के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। और पतिदेव ऑफिस से आते ही जाएंगे कहीं, कहाँ जाना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगी। तो पतिदेव को कहीं जाना है तो उनकी तैयारी करी, मतलब जाना उनको रहेगा, घूमना उनको रहेगा, लेकिन तैयारी हम पत्नियों को ही करनी पड़ती है। और इस हालत में कौन अपनी बीवी को छोड़ के जाता है भाई, कौन छोड़ के जाता है? मेरे पतिदेव जा रहे हैं, मैं भी जाती, लेकिन इस कंडीशन में जाना सही नहीं क्योंकि काफ़ी लोग मना कर रहे हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। तो मेरा काफ़ी पार्टी फंक्शन छूट जा रहा है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल अभी ये टाइम जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए तो सब कुछ कुर्बान। तो चलिए अभी पतिदेव ऑफिस से आए नहीं तब से मैं अपने भगवान जी का फूल माला जो भी हटा लेती हूँ, बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ क्योंकि शाम को भी हम लोग मतलब सबके यहाँ ही दीपक वगैरह जलता होगा। और मुझे ना ठंडी जितनी लगती है गर्मी भी उतनी लगती है, तो मुझे ठंडी कुछ ज़्यादा ही लग रही है और मुझे लगी है तेज की भूख। तो चलिए पहले मैं कुछ बना के खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा ही खाती हूँ, कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। हेलो जी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे पतिदेव का कपड़ा वगैरह निकाल दूँ। अभी मैंने इनको फ़ोन किया था तो अभी ऑफिस में ही है, तो मैं निकाल देती हूँ। ठंडी का टाइम है तो जाहिर सी बात है कि जैकेट ही पहनूंगी। तो यहाँ पे मैंने इनका ये जैकेट निकाल दिया और मैं बंद कर देती हूँ। किसके किसके पतिदेव अपनी वाइफ के पसंद का कपड़ा पहनते? मेरे पतिदेव इसलिए नहीं मुझसे पूछते हैं, इनको पता है कि प्रेस वगैरह करके मुझे ही देना, इसलिए बोलते हैं तुम बताओ। यहाँ पे मैंने ये जैकेट निकाल लिया, देखती हूँ कि ये जैकेट पहनते भी हैं या तो दूसरा चाहिए होगा। चलते हैं देखते हैं, मैं तैयारी कर देती हूँ क्योंकि आने के बाद तुरंत निकलना होगा इनको, थोड़ा दूर जाना है। तो चलिए मैं पतिदेव से थोड़ा बात कर लेती हूँ क्योंकि कुछ सामान मुझे मंगाना था जो कि मैं मंगाना भूल गई। दूध कहाँ है? बैग में। और कुछ खाने को नहीं ले? ये खा ले। मैं चर्बीदार मांस नहीं खाती। अरे मस्त एकदम। ऐसा पति किसका होगा कि इस हालात में बीबी को छोड़ के घूमने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं मतलब शादी में जा रहे हैं, जरूरी होता है न्योता करना। और बाकी सारी चीजें नहीं जरूरी होती है। ये आदमी वहां जाके ना बाहर से आने की लाइट जलाते। तो चलिए जरा पतिदेव का हम चाय पानी पिला दें। आप क्या पहन के जाएंगे? पकड़ा कपड़ा वो क्या पहनेंगे? देखो आपको निकाल दियो जैकेट। देखिए मेरा हो रहा है कि नहीं, मैं बहुत पतला हो गया। अब मोटापा पे डाउट दुबला हो गया मैं। अरे बाप रे, अपने आदमी इतना महंगा महंगा जैकेट पहनता है, अगर मैं कुछ बोल दूं लेने के लिए तो इनको गरीबी और सस्ता गरीबों वाला जैकेट है, सेल से लिया हूं। और बाप रे, दिखाओ जरा, जरा दिखाओ। सेल से लिया हूं।
अपने आदमी इतना 10-10 हजार का जैकेट पहनता है। 10 हजार तो हम देख लेना एक संख्य कभी। अब इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पहले चलो चाय पानी पी लो। पहले देखे यार ठंडी बहुत तगड़ी, अगर मान लो रोड रात बिरात अगर बाइक से जाना। आपके पास एक और जैकेट है वो वाला ट्राई कर लो। बड़ा कर ले देखो ये पतली होने का राज। राघव खाते पीते करके हाँ खाता पीते है समझे। चलो पहले मैं इनको चाय पानी पिला दूँ। चलो पहले चाय पानी पियो, कपड़ा चेंज करो। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया और भगवान जी को दिया वगैरह मैंने लगा लिया है। शाम का टाइम हो चुका है और पतिदेव के लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। इधर मैंने कॉफ़ी के लिए दूध रख दिया, इधर दूध रख दिया मतलब जो आता है। तो चलिए पहले बना लेते कॉफ़ी। तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है। कॉफ़ी मैंने कम डाला क्योंकि मुझे कॉफ़ी मतलब पीना नहीं है, नुकसान करे इसके लिए। हेलो जी, तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी बनके रेडी हो रही है, मतलब रेडी हो गई। अभी हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, पी के फिर पतिदेव सज धज के निकलेंगे अपने भोजन पानी की व्यवस्था में। मेरे लिए भी आज कुछ ऑर्डर करके जाइएगा, डब्बा दे देना, वहां से भर ले आएंगे फालतू का बाहर का खाओगे। नहीं नहीं हमको वहां से नहीं चाहिए, वहां से भर लेंगे पनीर। नहीं 10 बजे आओगे तो हम वहां पनीर का बैठे, तब कुछ खा लेना। नहीं और बाहर का क्या खाओगे, मतलब मेरे लिए हमेशा कंजूसा ही रहता है। शादी के लगन के सीजन में कोई होटल जाता है क्या बताओ। नहीं नहीं मेरे लिए ऑर्डर करके जाएगी है ना। सब मिम्बा हो गए तो बढ़िया कपड़ा पहन के चले होती कहीं घुस जाते। ऑर्डर कर देना मेरे लिए क्या, कुछ भी क्या, कुछ भी करो। चलिए फिर हम लोग कॉफी पी ले, फिर मिलते कुछ देर बाद। ये भाई पतिदेव जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इनको हम याद दिलाएं कि आपकी एक बच्ची है, एक बच्चा आने वाला है और बीवी घर पे है। तो बहुत सावधान से, बहुत कायदे से, एकदम कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। देखिए मैं बस पनीर पे फोकस करता हूँ, 9 बजे रहे तो मटन पे, इससे ज्यादा मैं आपका पनीर और मटन समझ रही हूँ सब, इससे ज्यादा चक्कर में नहीं रहता। देखो भूत बना दी ना मम्मी तुम्हारी, भूत बना दी कि नहीं, अच्छी लग रहा है। पाउडर लगा के भूत बना दी, पाउडर नहीं लगा, ड्राई मौसम है की ये रख लो, बल्कि हम तो कहेंगे लीजिए रूमाल। अरे बापरे अरे बापरे, बस कर बहुत। और पतिदेव हो गए यहाँ रेडी अपना पूछ पानी देखने। शादी के बाद इतना कोई अपने आप को शीशे में नहीं निहारता है समझे। तो हम औरतों का सजने संवरने का हक है। यहाँ पे हो गए पतिदेव रेडी, अब ये जाने वाले जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हमको क्या खाना पीना है। मेरे लिए तो वैसे ऑर्डर होके आ ही जाएगा। कार से गए होते इतना ठंडी लगेगा स्कूटी से। ठंडी लगेगा अभी भी, ठंडी लगने का उम्मीद तुम्हें लग रहा है। और पतिदेव यहाँ जा रहे हैं कहाँ पे जी। तो पतिदेव चले गए हैं, अब बची हूँ मैं और धृति। जो मैं धृति को कुछ खिला पिला देती हूँ और थोड़ा पढ़ा दे, वैसे उसका टेस्ट वगैरह ख़त्म हो गया, तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा उसको रेस्ट दे दूँ। धृति पापा तो गए, चलिए चलती हूँ मैं, पहले अपनी पूजा वगैरह का बर्तन धुल लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या खाना पीना है। कुछ खाओगे बेटा ऋतु, ओए कुछ खाओगे, कुछ खाओगे क्या, क्या खाओगे बेटा, बर्गर खाई बर्गर, इनका और सोफिया ना रहता है। हाँ मैं लेके आ गई हूँ पानीपुरी। पानीपुरी वाला हमारे गेट पे ही लगाता है, तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ, सब लोग पार्टी इंजॉय कर रहे हैं तो पानीपुरी। मम्मी छोटी लेकिन नहीं धृति सूखा पूरी खाती क्योंकि उसको अभी तीखा उतना नहीं खाती। तो चलिए पानीपुरी इंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए जिसको जिसको खाना है। 12 बजे आ रहे हैं, 12 बजे खाना।
सबसे जरूरी है ताला। हाँ ताला बंद होना जरूरी। चलो भाई, तो पतिदेव आ गए रात के 12 बजे। ये आदमी गया है 8 बजे और आ रहा है 12 बजे, बीवी बच्चे को अकेले छोड़ के। ये अत्याचार हो रहा है। हम भी जिस दिन छोड़ के चले गए ना, तो गए थे वहां, तो लोग तुम्हें चलना चाहिए था ना। हम तो बोले चलो, तो हम भी पार्टी में चले गए। खा पी के मस्त। अगर आप हमें बुला रहे हो, अगर मेरा अगर इस टाइम कोई सहारा है तो सिर्फ ये, मेरा भी मेरी बेटी, सिर्फ मेरी बेटी मेरे साथ। सोचो इसका स्कूल है, बेचारी 6:30 बजे उठती है, रात के 12 बज रहे, अभी ये सोई नहीं। कब ये सोएगी, कब उठेगी, कब अच्छा वैसे कब सोती है, बिस्तर में जाने के बाद आधा घंटा अच्छा ऐसे कब सोती है बताओ। अगर अगर पापा मुझे जाने के लिए कह रहे, अगर हम भी पसीने से भीग जाते तो। इसलिए तुम नहीं गई ना बेटा। धृति को भाई अपने उसका बहुत ख्याल रहता है, अपनी स्किन का, बाल का, कि मुझे पसीना ना हो जाए। अच्छे से पेट भर के खाए ना, भूख नहीं ना लगा है। तो चलिए भाई, पति देव आ गए। हाँ क्यों बनाते नहीं है क्या, क्या खाएंगे बताओ। आटा गूंथा है, मटर छिला हुआ है, सब्जी भुजिया रोटी बनाएंगे, भुजिया पराठा। अभी उसको झाड़ेंगे सुबह। तो चलिए अभी फिर मिलते हैं आप लोग से सुबह। इनको मीठा पानी बढ़िया से दे दे पहले।